आज हम 60वां इंस्टीट्यूट डे मना रहे हैं, 60th इंस्टीट्यूट डे सिंस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वॉज एस्टेब्लिश्ड। मैं सभी एम्स परिवार को 60वें इंस्टीट्यूट डे के पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे पूर्वजों की मेहनत और जो सभी लोग इस संस्थान में निरंतर कार्यरत हैं उनके अत्यंत सहयोग से संभव हुआ है कि आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको सभी लोग एम्स के नाम से जानते हैं, इतना पॉपुलर जनता के बीच में है, भारत में भी और विदेशों में भी। इस दफ़ा हमने इंस्टीट्यूट डे पर जो थीम रखा है अपने प्रदर्शनी का, वो है बी क्लीन बी हेल्दी। और पिछले वर्ष जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी थी 2 अक्टूबर को, और उसके बाद जो भी प्रयास पूरे भारत में हुए हैं और विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न अस्पतालों में स्वच्छता पे बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता है। ज़्यादातर हमारी जो बीमारियां हैं वो स्वच्छता के न होने के कारण फैलती हैं। उसमें बहुत सारी बीमारियां पानी के द्वारा फैलती हैं, बहुत सारी बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। तो हम सभी को इस बारे में सहयोग करने की आवश्यकता है, और जब तक सभी का सहयोग नहीं मिलेगा स्वच्छ भारत अभियान अपने पूरा पोटेंशियल नहीं रियलाइज़ करेगा। इसके अलावा आज हम इंस्टीट्यूट डे पर अनुसंधान पुरस्कार वितरण करते हैं, जो हम करेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी हमारे प्रेसिडेंट हैं और वो ये अवार्ड्स जिन लोगों को मिलने हैं उनको देंगे। इसके अलावा जो मैं बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बार हमने एक एम्स एंडाउमेंट फंड की स्थापना की है, जिसकी शुरुआत हो गई है। 2 एकेडमिक चेयर्स इंफोसिस फाउंडेशन ने हमको डोनेट करी हैं, एक कैंसर में, एक गायनेकोलॉजी में। मैं सभी अपने फैकल्टी सहयोगियों से ये अनुरोध करूंगा कि वो इन चेयर्स के लिए लोगों के नामांकन भेजें, और लगभग 1 दर्जन विदेशी यूनिवर्सिटीज़ से हमने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए MOU साइन किए हैं, और निरंतर हमारे पास MOU के लिए रिक्वेस्ट आ रही हैं। इसमें हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, जर्मनी के साथ, नीदरलैंड्स के साथ, UK में, USA में, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने करार किए हैं और उनके नतीजे भी आने लगे हैं। अभी कल ही हमने एक कार्यशाला का समापन किया है 60वें वर्ष में प्रवेश करने की संध्या पर, जो एम्स और ओसाका यूनिवर्सिटी जापान के बीच ये कार्यशाला हुई 3 दिन, जिसमें 11 जापानीज आए और उनके साथ भिन्न भिन्न बातों पर चर्चा हुई कि किस तरह से हेल्थ केयर को हम लो कॉस्ट इनोवेशन से और अधिक मजबूत कर सकते हैं। इसी प्रकार और हमारे सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स बहुत कार्य करने को उत्सुक हैं। अगले वर्ष जब हम ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशन लॉन्च करेंगे इंस्टीट्यूट डे पर, और कंप्यूटराइजेशन हमारा पेशेंट सर्विसेज के लिए भी हो रहा है, दूसरे हमारे रिसर्च में भी कंप्यूटराइजेशन हो गया है, जिससे बहुत सुविधा हो रही है।
एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च कर दिया है एम्स में, जिसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, जिससे एम्स की किसी भी फैकल्टी या किसी भी साइंटिस्ट के ऊपर प्लेगरिज्म का चार्ज ना आए। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने बहुत हाल में उठाया है वो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसकी बहुत आवश्यकता है सभी विभागों में और सभी सेंटर्स में। ख़ास तौर से पेशेंट के लिए इस हॉस्पिटल को कैसे और मजबूती प्रदान की जा सकती है और फ्रेंडली बनाया जा सकता है, इस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। और ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बहुत एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला है हमारे फैकल्टी से, हमारी टीम से, नर्सेस से। और फिर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ 60वें इंस्टीट्यूट दिवस पर, 60th इंस्टीट्यूट डे। सभी हमारे संकाय सदस्य, फैकल्टी मेंबर्स, हमारे रेजिडेंट्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, बाकी कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेंट्स, सभी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा योगदान है। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि हम सब निरंतर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। धन्यवाद।